मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द इरेशनल नंबर्स। आखिर इरेशनल नंबर एक बहुत बड़ी विद्यार्थियों के सामने एक समस्या टाइप का बना हुआ रहता है। रेशनल इरेशनल, जैसे ये क्वेश्चन अरेंजमेंट होता है तो उनके सामने एक कन्फ्यूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जितना भी प्राइम नंबर्स है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 11, जिसका डेसिमल, जो संख्या डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में होती है, अशांत अनावर्ती के रूप में होती है, उसी को आप डायरेक्ट इरेशनल मान लीजिए। और इरेशनल नंबर को और परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना संभव नहीं है। एक ही शब्दों में इसका आंसर समझिए, अशांत और अनावर्ती संख्याओं को जो डेसिमल के फॉर्म में हो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे पी बटा क्यू के रूप में भी लिखना संभव नहीं है, जबकि रेशनल में सारे रेशनल पी बटा क्यू के रूप में होते हैं। जीरो इज ए होल नंबर, बट वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू एज 0/1। जीरो को हम लोग रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा टॉपिक था अपरिमेय संख्या इरेशनल, तो इरेशनल हम लोग उसी को कहेंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जितना भी प्राइम नंबर्स है अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, हु हैज ओनली टू फैक्टर्स। जैसे दो है तो इसका दो ही फैक्टर है एक और दो, तीन है तो इसका दो ही फैक्टर है एक और तीन, पाँच है तो इसका दो ही फैक्टर है 1 और 5, सात है तो इसका दो ही फैक्टर 1 और 7। अगर इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें, √2, √3, √5, √7, तो वी विल ऑब्टेंस इन द फॉर्म ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 0.10001001, कहने का मतलब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। और दूसरा बात कि क्वाइंटेंट में, भागफल में जो क्रमबद्धता होगी डिजिट का, उसका प्रेडिकेशन भी करना संभव नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए अगर 0.3333 आता है तो यह मालूम है कि यह रिपीट डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो यह आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं कि उसका प्रेडिकेशन करना संभव नहीं हो पाता है कि इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा। और ब्लॉक में अगर रहता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये भी आपका एक रेशनल है। लेकिन जो ब्लॉक में जो अपने रिपीट नहीं कर पाता है, किसी खास ब्लॉक में नहीं आता है, उसको इरेशनल कहते हैं और परिमेय संख्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हमारे सब्सक्राइब में जहाँ तक सहयोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।